हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज का वीडियो हमारा मशीन से है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल में अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मशीन से जुड़ी हुई वीडियो को देखने के लिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है नीडल रड। और ये देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये देखिए नीडल रड हमारा नीचे की ओर आ चुका है। तो फ्रेंड, आप सोचते होंगे कि इसे कैसे ठीक करेंगे, इसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो बिल्कुल नहीं, आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक बने रहिए और आपको दिख जाएगा बिना मैकेनिक के इसे हम कैसे घर पर ही रिपेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं रिपेयरिंग। तो ये आप देखिए, ऊपर तक देख सकते हैं, देखिए नीचे से मैंने पकड़ा है और ये देखिए धीरे धीरे, देखिए देख रहे हैं, ये देखिए इसे मैंने छोड़ दिया, ये देखिए देखिए, तो अब हमें क्या करना है, एक छोटी सी हम पेचकस लेंगे, ठीक है। और देख सकते हैं आप इस जगह, ये देखिए धीरे धीरे ये भरेगा, देखिए इतने में जब ये आएगी ना, तो इसकी हमें सेटिंग करनी है निडल रड की। अगर आप इसे इतना ऊपर लेके चल जाते हैं तो क्या होगा ना, नीचे से जो शटल है ना, शटल से धागा आपका ऊपर नहीं आएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना जब निडल रड की आप सेटिंग करेंगे। तो अगर आप इसे इतना में भी लेके जाते हैं तो धागा नहीं आएगा, इतना में भी लेके जाते हैं तो धागा नहीं आएगा, इतना में भी लेके जाते हैं तो धागा नहीं आएगा। और हाँ, अगर इन केस आप इधर दिखाइए, देख सकते हैं, अगर आप इसे इतना नीचे भी लेके चल जा रहे हैं तो क्या होगा ना, आपका सुई शटल में टकराएगा और वो टूटेगा। तो देखिए मैं नीचे की और दिखाती हूँ, देखिए इतने में अगर इसकी सेटिंग करते हैं तो ये नीचे की ओर टकराएगा और आपकी सुई टूटेगा। तो इसकी सेटिंग हमें कैसे करना है, देख सकते हैं निडल रड को हमें, ये देखिए ये जो देख रहे ना, बराबर हल्का सा एक बाल या दो बाल बोल सकते हैं कि ऊपर है, ठीक है। बस इतने में हमें क्या करना, देखिए इस जगह एक हॉल होती है, ठीक है, इस जगह ये हॉल है। अब इसमें आपको इस जगह पेचकस डालना है, ठीक है। पेचकस डालेंगे, जब आप पेचकस डालेंगे तो एक नट आएगी, वो नट मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, पहले मैं इसकी सेटिंग कर देती हूँ इस जगह। और ये देखिए, देख सकते हैं उस टाइम क्या था, हमारा निडल रड था ये लूज था, ठीक है। अब आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए मैं आपको दोनों दिखाऊंगी, एक हाथ से मैंने निडल रड को पकड़ा है, ठीक है, दूसरे हाथ से मैंने पेचकस को पकड़ा है। और ये देखिए, बस इस टाइम में हमें क्या करना, इसका नट को हम इस तरह से टाइट कर देंगे, पूरे ताकत के साथ टाइट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए, अब ये हमारा पूरा एकदम परफेक्ट तरीका से निडल रड की हमने सेटिंग कर दी। अब वो आपको नट देखना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत कमेंट रहते हैं कि मैम हमारी मशीन में ये नट नहीं है। तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि होती है, सभी मशीनें में होती है, पर ना वो हमें पता नहीं होता है। मुझे भी पहले इसकी जानकारी नहीं थी और मैं भी बहुत परेशान रहती थी इसके कारण, निडल रड जब हमारा ऊपर की ओर खसक जाता था तो। और जब मैं न्यू बिगनर्स थी, और ये प्रॉब्लम पता है आपको क्यों होती है, निडल रड जब हमारा ऊपर खसकता है, जब हम मोटे कपड़े सिलाई करते हैं या स्टोन के कपड़े सिलाई करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अभी मैं आपको वो नट दिखा देती हूँ, जिस नट को मैंने अभी टाइट करके आपको दिखाया है। और मशीन को हमें ऊपर की ओर ले लेना है, और ये देखिए फ्रेंड, देख सकते हैं, रुकिए मैं फ्लैश लाइट चालू करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नट, अगर आपको नट वैसे नहीं दिखती है तो आप मशीन को ऊपर उठा लीजिएगा और इस नट को ही आपको, मेरी उंगली आ जा रही है, तो इस नट को ही आपको टाइट करना है इस जगह, देख सकते हैं। पहले तो ये लूज रहेगी, आपको लूज कर लेना है और टाइट कर लेना है। तो इस नट के बारे में मैं बता देना चाहती हूँ, अगर आपका शटल से धागा ऊपर नहीं आ रहा है तो इस नट को ही आपको लूज करके फिर से आपको इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है। और इसका वीडियो मेरे चैनल में पूरा
लॉन्ग वीडियो पड़ा हुआ, इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए पहले मशीन को सेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। मिलते हैं मशीन की और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।